हेलो दोस्तों, कासारे किचन रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रगड़ा पैटीज। ये मुंबई का स्ट्रीट फूड है। ये हमारे ठेले पे या फिर चौपाटी में मशहूर डिश है। चलो हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो हम बनाते हैं रगड़ा पैटीज। उसके लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता है? यहाँ पे हमने लिए है 2 उबले हुए आलू, तेल, कटा हुआ प्याज, हमने यहाँ पे उबले हुए सफेद मटर के दाने लिए हैं, पानी, हरा धनिया, इमली की मीठी चटनी, सेव, पुदीने की तीखी चटनी, कटा हुआ टमाटर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर, नमक, हल्दी और धनिया का पाउडर। चलो तो हम बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, उसका हम पील करेंगे। छिलका निकालना है उसका। अब हम आलू को स्मैश कर लेंगे हाथों से। हमने यहाँ आलू को स्मैश करके लिया है, उसमें हम थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम फिर से मसल लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हम उसकी छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे, गोल आकार की टिक्कियां बनाएंगे हम, देखो। फिर उसके बाद गोल करके हमको उसको चपटा करना है इस तरह से। आप किसी भी आकार के बना सकते हो, छोटे या फिर बड़े। उस तरह से हम दूसरी टिक्की बना लेंगे। देखो ऐसे बनाएंगे हम। इसी तरह से सब आलू के हम टिक्की बनाकर ले लेंगे। इस तरह हमने आलू की टिक्की 5 बना के रखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारे टिक्की तैयार है, अब उसको हम फ्राई कर लेंगे। गैस पे हमने यहाँ पे पैन रखा हुआ है और उसमें 2 से 3 चम्मच हम तेल डालेंगे। पैन हमारा थोड़ा गर्म होना चाहिए। ये ऑयल हम थोड़ा सा साइड वाइज कर लेंगे और इसमें हम ऑयल में टिक्की डालेंगे। टिक्की को हम शैलो फ्राई करेंगे। गैस धीमी ही रखनी है। टिक्की को हम 2 से 3 मिनट तक नीचे से पकाएंगे।
चलो हम टिक्की को देखते हैं नीचे की तरफ से सेकी हुई है क्या। हाँ सेक चुकी है, हम उसको पलट लेंगे। देखो टिक्की में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, इस तरह टिक्की को हम पलट लेंगे। देखो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हमारी टिक्की यहाँ पे तैयार हुई है, हम उसको निकाल लेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है। चलो हम निकालते हैं। यहाँ पे हमारी टिक्की तैयार है। चलिए हम रगड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो रहा है तब तक हम उसमें 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमें भूनना है, अच्छा सुनहरा होने तक उसे भूनना है प्याज को। प्याज भून जाए इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा स्वादानुसार उसको फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा पक चुका है और उसमें थोड़ा सा धनिया का पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 बड़ा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये आप आपके स्वादानुसार ले सकते हैं, जिसको कम ज्यादा चाहिए आप कर सकते हैं। और उसमें इसमें हम टमाटर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। सब मसाले प्याज और टमाटर में मिक्स होने चाहिए। आप अपने पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं। दो से तीन मिनट हम उसको भून लेंगे। यहाँ पर हमारा प्याज और टमाटर मिक्स हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा 1/2 चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे और वो थोड़ा मिक्स करके लेंगे। मिक्स होने के बाद यहाँ पे हम सफेद मटर के दाने डालेंगे। ये मैंने रात में भिगो के रखा हुआ था और ये हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गए, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। आपको ज्यादा पानी चाहिए तो आप ज्यादा भी कर रख सकते हैं और ये 2-3 मिनट पकने के लिए आप छोड़ देंगे। सब्जी गैस बंद कर लेंगे। हमारा रगड़ा यहाँ पे तैयार हो चुका है, अब हम उसमें निकाल लेंगे प्लेट में। चलो हम सर्विंग कर लेते हैं। पहले हम प्लेट में टिक्की रखेंगे।
उसके बाद हम ये रगड़ा डालेंगे। रगड़ा डालने के बाद हम उसमें इमली की मीठी चटनी डालेंगे। इमली की चटनी के बाद हम तीखी चटनी डालेंगे। उसमें थोड़ा सा हरा धनिया, सेव डालेंगे। और साइड में थोड़ा सा रगड़ा रखेंगे। और थोड़ी सी सेव रखेंगे। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा रगड़ा रखा हुआ है और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा आलू टिक्की रखेंगे। हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।